मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी कहाँ हूँ आप देखते पता चल रहा है, मैं अभी ससुराल हूँ। कल रात को मैं आ गई थी, आपको बताया था अगले ब्लॉग में। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ घर, किस लिए थोड़ा काम है, बैंक का कुछ काम है वो करूँगी, उसके बाद फिर उधर ही लंच वंच करूँगी क्योंकि फिर सुमित तो ऑफिस चले जा रहे हैं। तो फिर मैं अकेले के लिए क्या खाना बनाऊँ। मेरा बैंक से मेरा मायके थोड़ा सा नज़दीक है, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पर लंच वंच करके फिर सुमित के साथ रात को आ जाऊँगी। तो इसीलिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं बैग पैक भी कर लिया हूँ और सुमित थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं। और ये कुर्ती आपने देखा था ना, वो देखिए देखा, ये कुर्ती मैं जो काली पूजा में सुमित, काली पूजा नहीं दुर्गा पूजा में सुमित ला के दिया वही पहनी हूँ। और मैं यही पहनूंगी क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है इसलिए। तो चलिए मैं, मेरा बैग भी रेडी हो चुका है, चलिए निकलती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ मैं आपको दिखाऊं। मेरा बेबी आदि का खंडला, गुड मॉर्निंग किसी को नहीं बोला लेकिन आके गाना सुना दिया। गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो तो चलिए निकलते हैं, रास्ते में आपके साथ बात करती हूँ, कुछ नजारा भी दिखाऊंगी क्योंकि आज का आसमान बहुत ही क्लियर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मेरा घर का जो हालत है आपको नहीं दिखाऊं तो ही बेहतर है क्योंकि इस चेयर में धुले हुए कपड़े हैं, रस्ते में बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। तो चलिए मैं बात करते करते लेट हो रही हूँ, निकलते हैं। अभी मेरे मौसा और मासी जा रहे हैं घर। तब हमें इंतजार करने के बजाय छत पर जाकर कुर्ती के ढांचे को समझना है। मेरे मौसा बाहर खड़े हैं। कोरे नेवे स्व ये गुलो हाँ
आज से लंका दी चोर मध्य तो फिर मेरे मासी और मौसा जी चले गए हैं घर। अभी दोपहर का बज रहे हैं 3:15 और मेरे पापा भी न्यूज़ सुन रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर दैट इस आवाज़ को। अभी थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, लंच मेरा हो चुका है। स्किप, अभी आपके साथ बात नहीं करूँगी, आपसे ठीक से बात करूँगी शाम के वक्त, ठीक है? चलो बाय। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी सुबह का बज रहे हैं, सुबह का कितना बज रहा है मैं दिखाती हूँ। देखा, घड़ी खराब हो चुका है। सुमित अभी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और इस टाइम में मेरा रूम बहुत ही मेसी हो चुका है। और मैं मायके से आने के बाद एक दिन मैं रेस्ट लिया था, एक दिन कोई ब्लॉग नहीं किया था। आज से मैं ब्लॉग कर रही हूँ। आज है संडे, नहीं हाँ अरे संडे आज है लक्ष्मी पूजा, हैप्पी लक्ष्मी पूजा। तो दुर्गा पूजा जिस जगह पर होते हैं उस जगह पर लक्ष्मी पूजा होते हैं। तो आज तो कोई भी घूमने का कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि घर का हालत बहुत ही ख़राब है और हम लोग के घर में तो पूजा नहीं होता है, मायके में होते हैं। तो मेरे भाभी बोल रहा था तुम आ जाओ, पूजा वूजा होगा सब भी होगा। मैंने बोला कि नहीं, मेरा आज तो जाना होगा, घर का बहुत ही ख़राब है, आपको दिखाऊंगी तो आप भी सोचेंगे क्या हाल है घर का। तो बस अभी सुमित नहाने गए हैं, उनके लिए चाय और नाश्ता बना के लेके आ गई हूँ। वो चाय नाश्ता खा के ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद काम में हाथ लगाऊंगी। और आप मेरे वॉइस ना थोड़ा सा बैठ गया है क्योंकि मेरे क्या बोलते हैं टॉन्सिल मेरा तो फूला हुआ था, आपने सुना था, आपको बताया था मैंने। उसके साथ मेरा बहुत ही ठंडा लग गया है, जुकाम जैसा, इसीलिए। तो वो सुमित निकल के आ गए हैं वॉशरूम से, तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था ये तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और घर का थोड़ा सा हाल दिखा देती हूँ कैसे सुमित सोते हैं। देखिए चादर को इस तरफ कर देता है और ये चादर ना बॉयल का है, बॉयल बोलता है बाबू, और ये ना सरक जाता है। कोने कोने में एक गिट लगा के भी कार्ड लगा के रखती हूँ, फिर भी सरक जाता है। वो लास्ट में क्या होता है, चादर में नहीं सोता है, वो पूरा गद्दा में सोता है। और चेयर में बहुत सारे कपड़े तंग हुई थी, ये देखिए सभी कपड़ों को फोल्ड करना है और बेड का तो ये खराब हो गया। तो चलिए मैं सुमित को ऑफिस छोड़ देती हूँ, उसके बाद आपके साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड मेरा नहाना